एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ पॉलीहेड्रन विथ एनी गिवन नंबर ऑफ फेसेस, और आपको साथ में हिंट भी दे दिया है कि थिंक ऑफ अ पिरामिड। देखो क्वेश्चन में ये बोल रहा है क्या ऐसा पॉसिबल है कि कितने भी फेसेस के साथ मिला के, देखो नंबर नहीं दिया है कुछ भी, कितने भी फेसेस के साथ मिला के एक पॉलीहेड्रन बनाया जा सकता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। देखो और हिंट आपको दे दिया है कि थिंक ऑफ अ पिरामिड, तो अगर आप पिरामिड के बारे में सोचोगे, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है कि पिरामिड क्या होता है, एक तरह का पॉलीहेड्रन है जिसमें जो बेस से लेकर टॉप तक जो लाइन सेगमेंट जाता है वो जाके ऊपर नोक की तरह यानी कि पहाड़ की चोटी की तरह मिल जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो कि इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर हम लोग पिरामिड के बारे में सोचें तो कम से कम हम लोगों को कितने फेसेस की जरूरत पड़ेगी पिरामिड बनाने के लिए। तो पिछला क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो आप बैक जाके देख सकते हो, या फिर आप एक साइड में ये इमेज दिख रहा है, आप इस इमेज को भी देख सकते हो कि एक पिरामिड को बनाने के लिए कम से कम 4 फेसेस की जरूरत है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि अगर 3 ट्राइंगल हो तो भी एक पॉलीहेड्रन बनाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना पड़ेगा यस, क्योंकि इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर कोई नंबर नहीं दिया हुआ है कि 2 ट्राइंगल या 3 ट्राइंगल या 1 फेस या 2 फेस। ठीक है, तो आपको पहले लिखना पड़ेगा यस, लेकिन उसके साथ में लिखना पड़ेगा कि अगर कम से कम 4 फेस हो तो एक पॉलीहेड्रन बनाया जा सकता है, कम से कम 4 फेस। ठीक है, 4 फेस से ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि डायमंड भी एक तरह का पॉलीहेड्रन होता है, सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है तो वो भी पॉलीहेड्रन ही होता है, और डायमंड में बहुत सारे फेसेस होते हैं। ठीक है, तो कम से कम 4 फेस तो जरूरी है एक पॉलीहेड्रन बनाने के लिए। तो इस आंसर को होगा यस, इट इज पॉसिबल टू हैव अ पॉलीहेड्रन विथ एनी गिवन नंबर ऑफ फेसेस बट इट शुड हैव एटलीस्ट 4 फेस। ठीक है, क्योंकि देखो पॉलीहेड्रन भी या पिरामिड भी एक तरह का सॉलिड सॉलिड शेप है। सॉरी, तो सॉलिड शेप कब बन सकता है, जब उसके सारे तरफ फेसेस हों। ठीक है, कम से कम 4 फेस तो होना ही चाहिए, तब जाके वो एक सॉलिड शेप बन सकता है या फिर एक पॉलीहेड्रन बन सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर यस होगा, और आपको साथ में लिख देना है कि यस इट इज पॉसिबल टू हैव अ पॉलीहेड्रन ओनली इफ एटलीस्ट 4 फेसेस आर देयर। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 10.3 का सेकेंड क्वेश्चन।